सबकी आवाज मीडिया नेटवर्क में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र राज्य तहसीलदार व नायब तहसीलदार संगठन की जानिब से आज औरंगाबाद ज़िले में महसूल कर्मचारियों यानी महसूल मुलाजमीन ने एक दिन का काम बंद आंदोलन किया। ये काम बंद आंदोलन क्यों किया इन महसूल कर्मचारियों या अधिकारियों ने, इसकी वजह बताते हुए महेंद्र गिरगे ने, जो इस संगठन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि उमरखेड़ ज़िला यवतमहल के नायब तहसीलदार वैभव पवार पर पिछले माह 23 तारीख को रेत माफिया की जानिब से जानलेवा हमला हुआ था। इसके विरोध में महाराष्ट्र राज्य तहसीलदार नायब तहसीलदार संगठन की जानिब से 4 स्पेस यानी 4 मरहलों में आंदोलन करने का फैसला किया गया था। पहले मरहले में 27 तारीख को औरंगाबाद ज़िले के तहसीलदार, नायब तहसीलदार और डिप्टी कलेक्टर ने काम बंद एहतजाज किया। इसका दूसरा मरहला, दूसरा स्टेप आज किया गया, जिसमें औरंगाबाद ज़िले के महसूल मुलाजमीन ने एक दिन काम बंद करके मांग की कि जिन रेत माफियाओं ने वैभव पवार पर जानलेवा हमला किया उन्हें सज़ा दी जाए, उन पर कार्रवाई की जाए। महेंद्र गिरगे ने कहा कि अगर कार्रवाई नहीं की गई और हमारी मांग को नहीं माना गया तो हम 8 मार्च से पूरे महाराष्ट्र के तहसीलदार, नायब तहसीलदार, डिप्टी कलेक्टर बेमुद्दत काम बंद आंदोलन करेंगे। आज के आंदोलन में उन्होंने कहा कि ज़िला औरंगाबाद के तमाम महसूल अधिकारियों ने हिस्सा लिया। हमारे इस आंदोलन की वजह से जो सामान्य या जो आम तौर पर कलेक्टर ऑफिस या तहसील ऑफिस में आने वाले अपने काम की वजह से जिनको तकलीफ़ हो रही है, हम इस बारे में उनसे माफ़ी चाहते हैं। ये कहना था महेंद्र गिरगे का। सुनिए क्या कहा उन्होंने मराठी ज़बान में। उमरखेड जिल्हा यवतमाळ येथील नायब तहसीलदार श्री वैभव पवार यांच्यावर मागील महिन्यातील 23 तारखेला जो प्राणघातक हल्ला झालेला आहे, त्या अनुषंगाने महाराष्ट्र राज्यातील तहसीलदार व नायब तहसीलदार संघटनेच्या वतीनं 4 टप्प्यामध्ये आंदोलन पुकारण्यात आलेले होते। त्यातील पहिला टप्पा 27 तारखेला औरंगाबाद जिल्ह्यातील सर्व नायब तहसीलदार आणि उपजिल्हाधिकारी यांनी काळ्या भीती लावून काम केलेलं आहे। त्यातील दुसरा टप्पा आज या ठिकाणी जिल्ह्यातील सर्व अधिकारी एक दिवसाच्या सामूहिक रजेवर आहेत। यावरही संबंधित रेती माफियांवर अटक जर झाली नाही तर पुढील 8 मार्चपासून संपूर्ण महाराष्ट्रातील नायब तहसीलदार व डेप्युटी कलेक्टर हे बेमुदत काम बंद आंदोलन करणार आहेत। आजच्या या आंदोलनामध्ये औरंगाबाद जिल्ह्यातील सर्व अधिकारी सहभागी झालेले आहेत। यामुळे सर्वसामान्य जनतेला आमच्यामुळे जो काही त्रास होतो आहे त्याबद्दल मी या ठिकाणी दिलगिरी व्यक्त करतो, मात्र आमच्या भावना देखील शासनाने समजून घ्याव्या व संबंधित हल्लेखोरांना अटक करावी अशी आमची मागणी आहे। आपलं नाव सर? मी महेंद्र गिरगे, अध्यक्ष तहसीलदार नायब तहसीलदार संघटना औरंगाबाद।